तो यार आओ बात करते हैं आज तुम्हारे दो गोटों के बारे में। नीचे नहीं, कहाँ देख रहे हो? ऊपर वाले गोटे यार, कहाँ नीचे देख रहे हो? क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यानी कि आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी, और तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो आओ करते हैं चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के पर्व होते हैं। तो यार मैं इन आंखों से मेरी जान से प्यारी वाली माँ को भी देखता हूँ, और जान से थोड़ी कम प्यारी वाली क्रश को भी देखता हूँ। हाँ यार, अपने जान से किसी को ज्यादा प्यारी थोड़ी रख सकता हूँ, माँ को छोड़ के। खैर, तुमने कभी सोचा है कि हमारा आंख अंदर से दिखता कैसा है? आओ देखते हैं आज आंखों का इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। तुम जब किसी की आंखों को बाहर से देखते हो तो तुम्हें वहां तीन चीज दिखेगा, कॉर्निया, आयरिस एंड प्यूपल। अब देखो, तुम्हारे क्रश की आंखों का जो वो चमक है ना, जो तुम्हें दूर से ही दिखता है, वो इसलिए देख पाते हो क्योंकि उसके आंखों में कॉर्निया, ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से आंखें चमकते हैं। लाइक देखो, तुम मैंने भी देखते होगे, वहां में सब लड़कियों की आंखें चमकते हैं। बात पे यार, सिवाय मेरे वाइफू हिनाता के। अब क्या करूं यार, उसके आंखें नहीं चमकते, बट सबसे अलग है यार, और वही चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है। माशूक अली की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो तेरा सिकंदर से छछुंदर बना दूंगा साले। I got time, it's clear to see from up here. फिर दूसरा है आयरिस। अब देखो, तुम्हारे फ्यूचर बीवी का आंखें नीली होगी या पीली होगी या लाल होगी या काली होगी, ये डिपेंड तुम्हारे जन्म कुंडली पे नहीं कर रहा है, ठीक है, ये उसके आयरिस पे करता है। यानी कि आयरिस जो होता है वो आंखों का कलर कैसा होगा, ब्लू आईज होगा या ब्लैक आईज होगा, वो डिसाइड करता है। और साथ ही साथ आंखों के अंदर में जो ये काला सा छेद है ना, इसे कंट्रोल भी करता है, बड़ा या छोटा करता है, ठीक है, जिसे कहते हैं प्यूपल। फिर वही है तीसरा पार्ट है प्यूपल। अब प्यूपल का काम क्या है, आंखों का सेंटर पे होता है सबसे पहला चीज, ये क्या करता है, लाइट को आंखों में कितना जाने देना है और कितना जाने नहीं देना है, उसको कंट्रोल करता है। अब ये तीनों चीजों को तो तुम अपने क्रश की आंखों के बाहर से भी देख सकते हो, बट क्रश की आंखों के अंदर में क्या है, कभी सोचा है तुमने? मत सोचो यार, उसके क्रश की यादें होगी गंदे वाले, उसके ऊपर ध्यान दोगे तो तुम्हारा क्रश तुम्हारा कभी बनेगा नहीं। यार इसे सीरियसली मत लेना, मजाक कर रहा था। बात करते हैं कि आंखों का जो इनर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। देखो, आंखों में प्यूपल से जब लाइट एंटर करता है तो सबसे पहले आता है इस लेंस के अंदर में, ठीक है। अब ये बात हमेशा याद रखना, आंखों में जो लेंस लगता है ना वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये बहुत ही खास तरीके का लेंस होता है। वो जो हमने पढ़ा था ना लाइट वाले चैप्टर में, उस तरीके का लेंस नहीं होता ये, ठीक है। ये लेंस अपना साइज को जो है बड़ा और छोटा कर सकता है, बिल्कुल तुम्हारे ईगो की तरह ही, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी बहुत कम हो जाता है, राइट? अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान रखना है कि लेंस का साइज छोटा या बड़ा कैसे होता है। देखो, नॉर्मल लेंस के अंदर में जो फोकल लेंथ होता है ना, उससे डिसाइड होता है कि वो लेंस कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा। बट हमारे आंखों के लेंस के साथ सीन ऐसा कुछ है कि इसका जो फोकल लेंथ है ना, वो एग्जिस्टेबल है, वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। अब इससे फायदा क्या मिलता है तुम्हें, अगर तुम्हें दूर की चीजें देखना है तो तुम्हारा लेंस बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा और तुम दूर की चीजें देख पाओगे, और अगर तुम्हें बहुत ही पास का चीजें देखना है तो तुम्हारा फोकल लेंथ और लेंस का साइज दोनों छोटा हो जाएगा और तुम पास की चीजें देख पाओगे। और आखिरी चीज देखो, जब लाइट तुम्हारे आंखों में एंटर करता है ना प्यूपल से और इस लेंस के अंदर में टकराता है, तो ये लाइट कन्वर्ज होके तुम्हारे आंखों का जो पीछे में रेटिना होता है ना, वहां जाके पहुंच जाता है, उसके बाद तुम्हें दिखता है। तो इसीलिए ना इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ज करके सारे लाइट को तुम्हारे रेटिना में दिखाता है। अब देखो, ये जो लेंस का मूवमेंट होता है ना, बड़ा छोटा, इसमें एक मसल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उस मसल का नाम है सिलियरी मसल्स। ये तुम देख पा रहे हो, तुम्हारा जो लेंस है इसे पकड़ के बैठा हुआ है और इसे कभी खींचता है और कभी सिकुड़ देता है, जिसकी वजह से ये लेंस जो है अपना साइज चेंज करता है। वैसे तो मैं बहुत डिटेल में तुम्हें बता सकता हूँ आंखों के बारे में, बट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस, और आखिरी एक चीज है उसे जान लो, जो कि है रेटिना, ठीक है। अब ये रेटिना है आंखों का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसे कहते हैं, जहाँ में सारे लाइट आके कन्वर्ज होता है और वहाँ मीट करता है। अब इस पूरे रेटिना के अंदर में लाइट सेंसिटिव सेल होता है, जो कि रोशनी कितना आ रहा है नहीं आ रहा है पता करता है, और फिर वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर ये जो ऑप्टिक नर्व्स है ना, इससे तुम्हारे ब्रेन पे पहुंचता है और तुम्हें इमेज कैसा है नहीं है वो पता चलता है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज जानना तुम्हें बहुत जरूरी है, लेंस में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद रेटिना में आता है और इमेज फॉर्म करता हुआ, ठीक है। अब ये इमेज ना रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक लोता लेंस है जिसके अंदर में इमेज जो बनता है रियल और इन्वर्टेड बनता है। देखो, याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ, अगर भूल गए फिर एग्जाम हॉल में जाके मुझे याद करोगे तुम। हाँ, तो अब तुम मुझे एग्जाम हॉल पे याद करोगे या नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर है, बट तुम्हारे लिए एक सवाल है। अब मेरे सामने यहाँ पे दो कप से देख रहे हो तुम, एक पास पे एक दूर पे, बट मैं दोनों को ही देख पा रहा हूँ यहाँ से। अब बताओ तुम मुझे ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखो, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जो लेंस है उसका फोकल लेंथ
बढ़ता घटता है, जिसके वजह से हम दूर के और पास के चीजों को देख पाते हैं, राइट। और इसी चीज को कहते हैं भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये जो दूर के और पास के चीजों को देखते हैं ना, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये चीज होने में मदद करता है एक मसल, थोड़े पहले मैंने वो भी बताया था तुम्हें, सिलेरी मसल्स। सिंपल सा लॉजिक है भाई, तुम्हारा जो आंखों का लेंस है इसे खींचता है और सिकुड़ता है ये सिलेरी मसल्स, जिसके वजह से तुम्हारा लेंस का जो साइज होता है वो बढ़ता है और घटता है, उसके साथ साथ लेंस का फोकल लेंथ भी बढ़ता है और घटता है, और तुम दूर के और पास के चीजों को देखते हो। लाइक अब एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारी आंखें हैं और ये मैं हूँ। अब मान लो अचानक से मैं तुम्हारे आंखों के सामने आ जाओ, तो क्या होगा, तुमसे घबरा जाओगे, जिसके वजह से तुम्हारे आंखों में जो मसल्स है जिसे कहते हैं सिलेरी मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से तुम्हारे जो आंखों का लेंस है वो छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, जिसके वजह से लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और इसके बाद तुम मुझे देख पाओगे। तो जो हमारे पास वाली चीज़ों को देखते हैं ना, तब यही कंडीशन होता है एग्जैक्टली, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन लेते हैं, अब मान लो मैं तुमसे बहुत ही दूर खड़ा हुआ और अगर तुम्हें मुझे अब देखना है ना, तो अब तुम्हारा मसल जो क्या होगा सिलेरी मसल्स, वो रिलैक्स हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हारा जो लेंस है ना आंखों का वो भी बढ़ जाएगा और उसका फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा, और दूर की चीज़ों को तुम देख पाओगे, यानी कि तुम मुझे देख पाओगे। सो समझ गए, जब दूर की चीज़ें देखते हैं तो मसल्स रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से तुम मुझे देख पाओगे, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम्हारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और तुम मुझे देख पाओगे। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा, और एक चीज़ है, मैंने तुम्हें बताया कि तुम पास की चीज़ों को देख पाते हो और दूर की चीज़ों को भी देख पाते हो, बट कितना पास की चीज़ों को तुम क्लियरली देख पाते हो और कितना दूर की चीज़ों को तुम क्लियरली देख पाते हो? तो देखो, नॉर्मल जो ह्यूमन आई होता है वो 25 सेंटीमीटर तक का पास की चीज़ों को आराम से देख पाता है। अगर उससे पास आ जाए ना तो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगता है, और दूर बोलो तो इन्फिनिटी, जहाँ तक तुम्हारे आँखें जा रहे लाइट पहुँच रहा है वहाँ तक तुम देख पाते हो, ठीक है। अब देखो, मैंने ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि अगर तुम 25 सेंटीमीटर के पास से कोई चीज़ देखते हो ना, इससे तुम्हारी आँखें खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा वो अब तुम्हें मैं बताता हूँ। देखो, नॉर्मल आँखें जो होते हैं ना, वहाँ में लाइट कैसे पास करता है, रोशनी आती है, लेंस से टकराता है और सीधा जाके वो रेटिना पे इमेज को फॉर्म करता है, और इमेज कैसा फॉर्म होता है, इन्वर्टेड एंड रियल, राइट। बट जब तुम्हारी आँखें नॉर्मल नहीं होते, यानी कि तुम्हारी आँखें खराब हो चुके हैं, तब इमेज कैसे बनता है, तीन कंडीशन है। तो आंखों में अगर लाइट एंटर करने के बाद इमेज रेटिना के आगे बनता है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बीमारी है मायोपिया का, और अगर इमेज बनता है रेटिना के पीछे तो इसका मतलब है तुम्हें बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया का, और तीसरा है प्रेसबायोपिया। अब ये कब होता है पता है, जब तुम बूढ़े हो जाते हो ना, जब तुम्हारा जो सिलेरी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो एबिलिटी होता है ना वो खत्म हो जाता है, यानी कि जो हमने पढ़ा था ना पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो चीज़ जो है आंखों का खत्म हो जाता है, जिसके वजह से ना तुम्हें दूर का सही से दिखता है ना पास का सही से दिखता है। अब मैंने ये तो तुम्हें हल्का हल्का बताया कि इमेज का फॉर्म करता है नहीं होता है, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक एक को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मायोपिया का, तो यहाँ में तुम्हें आसपास का चीज़ तो अच्छी तरीके से दिखता है, बट दूर का चीज़ तुम्हें नहीं दिखता है, और इसीलिए मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि तुम्हें पास का तो दिखता है बट तुम्हें दूर का नहीं दिखता है। और ये बीमारी होता है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि इमेज जो होता है रेटिना के आगे फॉर्म कर जाता है, इसके वजह से तुम्हें पास का चीज़ तो दिखता है और दूर का चीज़ नहीं दिखता है। अब ये बीमारी होता क्यों है, कुत्तों की तरह तुम फोन चलाते रहते हो यार, होगा नहीं जानवर की औलाद? हाँ हाँ, यही करो, सुबह से लेकर शाम तक फोन चलाओ, और कुछ तो काम है नहीं। हमने तो तुम्हें इसीलिए पैदा किया था ना कि तुम पूरा दिन फोन चला पाओ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही माँ बाप के टुकड़ों में खाओ, पलो, भरो और फोन चलाओ, जिंदगी में करना तो कुछ है नहीं। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फोन चलाने के कारण और हम जो भी चीज़ें पास में देखने के कारण ही मायोपिया होता ज़्यादातर। देखो, जब हम एक ही चीज़ को पास में बार बार देखते रहते हैं ना, तो हमारे आंखों का जो लेंस होता है ना वो इस तरीके से अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को कि उसे पास की चीज़ें देखना है, आदत बन जाता है। तुम सोच के देखो ना, फोन चलाते हो, तुम्हारा आदत है ना, तो तुम्हारे लेंस का भी आदत बन जाता है कि पास की चीज़ों को ही देखना, हमें दिन भर वही करते हैं, तो अब दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होता है। और दूसरा चीज़ क्या, देखो तुम्हारा आई बॉल जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके वजह से भी मायोपिया होता है, ठीक है। इसे करेक्ट कैसे कर सकते हो तुम? देखो, बहुत सिंपल है, आंखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स, राइट, तो उसका ऑपोजिट लेंस लगा दो, यानी कि कॉनकेव लगा दो, ठीक हो जाएगा ये मायोपिया का प्रॉब्लम। देखो, एक इंसान जिसको मायोपिया है ना, उसे जो पास का चीज़ है उसे आसानी से दिखता है और उसका जो इमेज होता है वो रेटिना पे ही फॉर्म करता है, बट वही इंसान अगर दूर का चीज़ को देखता है तो उसका इमेज रेटिना में फॉर्म नहीं करता है और रेटिना के आगे फॉर्म करता है। और ये बीमारी अगर ठीक करना है तो सामने लगा दो तुम क्या, एक कॉनकेव लेंस, जिसके बाद इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म करने लगेगा। और फिर बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का, इसमें क्या होता है कि तुम्हें दूर की चीज़ें दिखता है बट पास की चीज़ें नहीं दिखता है,
और शायद इसीलिए इसे कहते हैं फेयर साइटेडनेस। होता क्या है, रेटिना के पीछे बनता है इमेज, मैंने पहले बताया। अब ऐसा होता क्यों है, जो तुम्हारे आंखों का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाता है, या फिर तुम्हारे जो आंखों के गोटे हैं उनका साइज अगर छोटा हो जाता है ना, तब हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम होता है। ठीक कैसे करोगे इसे, और एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लो, ठीक हो जाएगा ये। देखो, एक इंसान जिसे हाइपरमेट्रोपिया है ना, उसे दूर की चीजें आसानी से दिखता है, यानी कि उसका इमेज जो होता है वो रेटिना पे ही बनता है, बट जो पास का चीज होता है उसका जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे जाके बनता है। इसे ठीक करना है तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो आगे और वो रेटिना पे फॉर्म करेगा इमेज। फिर आखिरी है प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, मैंने बताया जब तुम्हारा उम्र हो जाता है तो ये बीमारी होता है तुम्हें। इस बीमारी में ना तुम्हें दूर का दिखता है सही से, ना पास का दिखता है सही से। कारण क्या है बोलूँ तो, उम्र होने के कारण तुम्हारा जो लेंस है और उसका जो सिलेरी मसल्स है दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना तुम्हें दूर का सही से दिखता है ना पास का सही से दिखता है। अगर तुम्हें इस बीमारी को ठीक करना है तो तुम्हें लगाना पड़ेगा बाइफोकल लेंस। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का, ठीक है, इसे तुम अपनी आंखों को ठीक कर सकते हो अगर तुम्हें हुआ है प्रेसबायोपिया। पता यार मुझे क्या लगता है, मेरे क्रश को पक्का हाइपरमेट्रोपिया होता होगा। सामने रहता हूँ उसके दिन भर, फिर भी वो कहती रहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता यार, कोई जाके बताओ उसे। और मुझे ना मायोपिया है, वो भाव बिल्कुल नहीं देती है मुझे, फिर भी मैं उसी के पीछे पड़ा हूँ। इतना बड़ा दुनिया है, दूर में थोड़ा देखता हूँ तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी, बट नहीं, मैं तो चूतिया हूँ, उसी के पीछे भागा पड़ा हूँ। खैर इस बात को इग्नोर करना, हम बढ़ते आगे सीधा। ह्यूमन आई कंप्लीट कर लिया है, अब बात करते हैं कलरफुल वर्ल्ड। ये जो आंखें हैं इससे हम जो रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं वो दुनिया कैसी है। सबसे पहला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, वाइट लाइट 7 कलर्स में कन्वर्ट होता है। वो कैसे होता है वो जानने के लिए तुम्हें पहले जानना पड़ेगा क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्पेशली प्रिज्म के अंदर में। तो मान लो मेरे पास एक रेड लाइट है, ठीक है, अब मैं अगर इसे पास कराता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले ये जाके प्रिज्म से टकराएगा और ये बेंड होगा, जिसे तुम कहोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो वो बेंड करता है, यहाँ में भी कर रहा है। अब फिर जब ये लाइट प्रिज्म से बाहर निकलेगा तब क्या होगा, फिर मीडियम चेंज होगा, ये प्रिज्म से एयर पे जाएगा, तो जब भी मीडियम चेंज होता है बेंड होता है, दोबारा बेंड होगा। तो देखा तुमने यहाँ पे दो बार बेंड हुआ। अब बेंड होने के बाद देखो प्रिज्म के अंदर में 3 लाइन बन रहा है, पहला है इंसिडेंट रे, दूसरा है रिफ्रैक्टेड रे और आखिरी है इमर्जेंट रे, ठीक है। अब ये जो तुमने इस डायग्राम में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखा ना, यहाँ में क्या है, देखो एक सिंगल लाइट है, तो अगर तुम कोई भी सिंगल रेड ब्लू ऑरेंज कुछ भी कलर का लाइट को प्रिज्म से पास करोगे ना, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसे रहेगा। इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। बट मेरे भाई, जब तुम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हो ना, तो वो 7 लाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं है क्या तुम्हें। देखो अगर तुमने इस वाइट लाइट को इस प्रिज्म के अंदर में पास किया तो ये 7 रंगों में बदल गया, देखा तुमने। बट ये चीज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ नहीं होता है, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ वाइट छोड़ के जितने भी अलग लाइट्स है, जो सिंगल लाइट होगा, ठीक है, चाहे वो रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, उसे अगर तुम प्रिज्म से पास करोगे तो ये चीज़ नहीं होगा कि वो 7 कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये होता है वाइट लाइट के साथ, और इसी चीज़ को कहता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है यार, वाइट लाइट 7 रंगों में बदल गया, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इन 7 रंगों को प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद कहता है स्पेक्ट्रम। अब क्या क्या ये 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। अब ये जो मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर तुम सफ़ेद लाइट को प्रिज्म से पास करते हो तो 7 रंगों में बदल जाता है वो, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। ये पहली बार किसको पता चला था पता है, आइजैक न्यूटन को। उस बंदे ने ऐसा करके देखा था, एक प्रिज्म के अंदर में सफ़ेद लाइट को दोहराया और उसे 7 रंगों में लाइट बिखरता हुआ दिखा, तो उसे पता चला कि भाई ऐसा भी होता है, और तब से बनना शुरू हो गया नाम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बट भाई हमारा वहाँ तक रुका नहीं, ठीक है। पता है तुम्हें साइंटिस्ट लोगों का अलग ही चुल रहता है, हर चीज़ में उन्हें उंगली करना होता है भाई। तो यार रुकने वाला थोड़ी था हमारा आइजैक न्यूटन, उसने सोचा कि अब 7 रंग आए ना, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ और एक प्रिज्म को लेता हूँ और उसके बाद लाइट दोहराता हूँ, क्या पता 7 के जगह इस बार डबल आ जाए उसका। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्लॉप हो जाता है वो, बट फिर भी वो नहीं रुका, ठीक है, हार नहीं माना उसने। उसने क्या किया इस बार, प्रिज्म को उल्टा किया, ठीक है। उल्टा करने के बाद जब लाइट दोहराया तो एक नया चीज़ होता है, वो 7 रंग जब उल्टे वाले प्रिज्म पे पड़ा ना, तो वो 7 रंगों ने फिर से कंबाइन होके बना दिया एक वाइट कलर, यानी कि वाइट लाइट। भाई गजब ही है ये आइजैक न्यूटन, बंदे ने मेहनत तो किया यार एक्सपेरिमेंट करके। अब तुम भी थोड़ा मेहनत करके इसे याद रख लेना बस, कि कैसे उसने पहले वाइट लाइट को फिर वाइट लाइट में कन्वर्ट किया, मतलब ज़रूरत क्या था यार, था तो वो वाइट, फिर उसे कलर फिर वाइट।
हमेशा यार आसान चीज़ों को डिफिकल्ट बनाना है इन साइंटिस्ट लोगों को। सही है, करो यार। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, एक चीज़ तो बताना, मैं भूल ही गया तुम लोगों को। क्या करो यार, 1 GB वाला मेमोरी है मेरा, बात भूल जाता जल्दी। अब डिस्पर्जन होने के बाद जो ये 7 रंग बने हैं ना प्रिज्म के अंदर, तुमने सोचा है कभी रेड ऊपर क्यों है और वायलेट जो है वो नीचे क्यों है? देखो, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि रेड थोड़ा कम बेंड हुआ है और वायलेट जो है थोड़ा ज़्यादा बेंड हुआ है, इसके वजह से वायलेट नीचे है और रेड ऊपर है। बट अगर तुम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करो इस चीज़ को और थोड़ा डीपली बताओ, तो तुम कह सकते हो ये बेंड जो हुआ है ना, रेड कम और वायलेट ज़्यादा, ये इसलिए हुआ है क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि जो वायलेट का वेवलेंथ है वो छोटा होता है रेड से, सबसे छोटा होता है, ठीक है, इसलिए वो सबसे नीचे है, और रेड का सबसे ज़्यादा होता है इसके वजह से वो सबसे ऊपर है। यही बात है। तो यार हमने कंप्लीट कर लिया अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट को। अब आंखों से दूसरा क्या चीज़ देखते हैं हम, रंग बिरंगा रेनबो। यार देखो, मेरा ही मानना है कि दुनिया के अंदर में अगर कोई दूसरा सबसे रंग बिरंगा चीज़ है ना, तो वो है रेनबो। तुम पूछोगे दूसरा क्यों, पहला कौन सा है फिर? तो पहला है 500 और 2000 के नोट। भाई बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, उसे तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो, है कि नहीं? खैर ये तो जोक सपाट था, अब सवाल ये उठता है कि रेनबो बनता कैसे? सोचा है तुमने कभी? बीबी बीबी, जब इंद्र भगवान तीर मारते हैं ना, तो उससे बनता है इंद्रधनुष, यानी कि रेनबो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होता। सुनो मेरी बात, जब बारिश और धूप एक साथ आ रहा होता है ना, तब बनता है रेनबो। बट देखो, रेनबो बनने के लिए ना 3 चीज़ें एक साथ होना पड़ेगा। वो 3 चीज़ें क्या क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो इस आसानी से समझते हैं, इस पानी के बूंद वाटर ड्रॉपलेट के साथ, ठीक है, सन से क्या निकलता है? व्हाइट लाइट, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट इस पानी के बूंद में एंटर करेगा, जैसे ही एंटर करेगा तो होगा क्या, सबसे पहले रिफ्रैक्शन, यानी ये बेंड होगा, और जैसे ही ये बेंड होगा, तो मैंने बताया तुम्हें जब व्हाइट लाइट बेंड होता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ हुआ क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होने के बाद नॉर्मली क्या होना चाहिए, दोबारा ये रिफ्रैक्ट होगा, बेंड होगा, और ये पानी के बूंद से बाहर निकल जाएगा, राइट? बट यहाँ ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि मैं सिंपली बताऊँ तो लाइट जो बाहर नहीं निकल रहा है पानी के बूंद से, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर आखिर में जाके वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, और ये तीनों चीज़ें जब एक साथ होता है ना, तब बनता है रेनबो, जो कि तुम अपने आंखों से देख पाते हो। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ना इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर में, ये तभी होगा जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। पहला, वो लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम पे जा रहा होगा, और दूसरा उस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि एक्यूट एंगल से ज़्यादा होना पड़ेगा लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसे। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अगर ये तीनों चीज़ एक साथ होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब बनेगा एक प्यारा इंद्रधनुष, या फिर तुम कह लो रेनबो। अब मैंने ये तो बता दिया तुम्हें कि रेनबो बनता कैसे है, अब रेनबो बनता कहाँ है यार? तुम 3 जगह ले लो, कहीं भी आसमान में जब बारिश और धूप एक साथ आ रहा होगा तब रेनबो बनता हुआ दिखेगा तुम्हें, या फिर जो फाउंटेन होता है ना, वाटर फाउंटेन, वहाँ बनता है, या फिर बड़े बड़े जो वाटरफॉल होते हैं, यानी कि जो झरने होते हैं, वहाँ भी तुम्हें रेनबो बनता हुआ दिखता है कभी कभी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, रेनबो जो होता है हमेशा ही जिस डायरेक्शन पे सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे बनता है। अब हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने अभी तक लाइट को रिफ्रैक्ट करवा के देखा है प्रिज्म से, वाटर ड्रॉपलेट से, अब समय है कि हम लाइट को रिफ्रैक्ट करवाए एटमॉस्फेयर पे। देखो, जब तुम लाइट को ना रिफ्रैक्ट करवाते हो एटमॉस्फेयर पे, तो उससे कई सारे चीज़ें होता है, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, और कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि आसमान नीला दिखता है, और आखिरी क्लाउड व्हाइट दिखता है। ये सारी चीजें होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 1 by 1 देखते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। बट इससे पहले यार, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, नहीं बट हम सिंगल लोगों का क्या होगा यार, हमें तो बस इंस्टाग्राम पे मीम देख के अपना जिंदगी बिताना पड़ेगा, और मेरा हालत तो इतना खराब है भाई साहब, 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। अब क्या कहूँ, कोई पूछता है ना कि भाई तेरा वैलेंटाइंस डे का प्लान क्या है, तो मैं बस उसे यही बताता हूँ। भाई जो स्टैंडर्ड का लड़का होगा ना, जैसे मेरी तरह है, वो कभी भी वैलेंटाइन डे, किस डे, रोज डे, हग डे ये नहीं बनाएगा। इसके करके लड़के वो कभी भी नहीं बनाते। ये जितने भी नल्ले बेरोजगार छपरी होती है ना, ये बनाते हैं वैलेंटाइन डे, किस डे, रोज डे, जो घर से वेले। एटलीस्ट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो दूसरों को दिखाता हूँ कि बचा हुआ है, जबकि वो नहीं बचा हुआ है।
खत्म हो चुका है, बट क्या करो यार, दिखाना पड़ता है। खैर हम सीधा बढ़ते हैं अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, जहां हम सबसे पहले देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कैसे तारे चमकते हैं। देखो, तारे तभी चमकते हैं यानी कि ट्विंकलिंग करते हैं, जब सबसे पहला तो ये जो स्टार है ना, जो कि बहुत दूर होता है, उसका रोशनी एटमॉस्फेयर पे पड़ रहा होता है, ठीक है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर को टच करता है ना, तो उसका एक इमेज बनता है हमारे पास पे। रियलिटी ये होता है कि स्टार जो बहुत दूर होता है, बट एक उसका नकली इमेज जो कि हमें लगता है कि असली है, वो हमारे पास बन जाता है, जिसे तुम कहते हो अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार, ठीक है। अब ये जो नाम है ना अपेरेंट, इससे ही बात क्लियर है, वो चीज़ जो कि दिखता तो है रियल है बट वो रियल नहीं होता है, उसे कहते हैं अपेरेंट स्टार या फिर अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार। तो यहाँ में यही हो रहा है, देखो रियलिटी ये है कि ये स्टार बहुत ही दूर है, बट जैसे ये लाइट एटमॉस्फेयर पे एंटर करता है, इसका एक नकली इमेज बनता है जो कि हमारे पास होता है, और हमें लगता है कि यही रियल स्टार है, जबकि ये रियल स्टार नहीं होता है। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब ये लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर में एंटर करके हमारे आंखों पे आ रहा होता है ना, तो ये कई बार बैंड होता है, कभी ये इधर रिफ्रैक्ट होता है, कभी उधर रिफ्रैक्ट होता है। अब ये इसलिए रिफ्रैक्ट होता है क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसका जो अलग अलग लेयर्स है, वहाँ में डेंसिटी अलग अलग होता है, यानी कि तुम सिंपली कह लो अर्थ के एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लेयर में अलग अलग होता है, तो कहीं ज़्यादा बैंड होता है, कहीं कम बैंड होता है, और कुल मिला के जब ये आंखों में आ रहा होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये तारे चमक रहे हैं, बट रियलिटी ये होता है ना, तारे चमकते हैं और जो तारे को तुम देख रहे हो वो भी रियल है नहीं, वो तो एक नकली इमेज है जो कि एटमॉस्फेयरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखता है तुम्हें। जो असली तारा है वो तो काफ़ी दूर में है, तुमने तो बस एक अपेरेंट स्टार को देखा है, यानी कि नकली स्टार को देखा है, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो तारे चमकते हैं, मान लिया मैंने, तुमने बता दिया कि हाँ ये दो कारणों की वजह से तारे चमकते हैं, बट प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते है? देखो बहुत सिंपल है, प्लैनेट्स इसलिए नहीं चमकते क्योंकि प्लैनेट्स तारों की तरह इतना दूर में नहीं होता, तारे बहुत दूर होते हैं यार, बट प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से वहाँ से जो लाइट है बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हमारे एटमॉस्फेयर पे एंटर करता है और ये रिफ्रैक्ट कम करता है, जिसकी वजह से ये चमकता नहीं है यानी कि ट्विंकल नहीं करता है। अभी हमारा अगला टॉपिक एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखो ऐसा कहा जाता है ना कि हमारा जो सुबह का समय होता है ना, वह सूरज उगने से 2 मिनट पहले हमें वो दिख जाता है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो शाम का समय होता है, जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक वो सूरज दिख रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर मैं सिंपली बताऊँ ना तुम्हें ये ऐसा क्यों होता है, तो यार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है ये। एग्जैक्टली कैसे होता है, देखो ये अर्थ है, ये मैं हूँ छोटा सा, देखो इसे कहते हैं होराइजन। देखो हमारा आँख ना एक लिमिट तक ही देख पाता है, ठीक है ना, गोल है ना अर्थ, हम तो पूरी दुनिया को नहीं देख पाते ना, हम बस अपने दोस्त के घर को देख पाते हैं, अपने पड़ोसी के घर को देख पाते हैं, जहाँ तक हमारा आँखें जा रहा है। तो तुम इस लाइन को होराइजन लाइन मान लो, जहाँ से ऊपर वाले चीज़ों को तो हम देख पाते हैं और नीचे वाले चीज़ों को हम नहीं देख पाते, ठीक है। अब ये जो सूरज है देख रहे हो, ये अभी उगा नहीं है, सुबह का समय है, बट अभी भी हमें ये सूरज ऊपर में उगता हुआ दिख रहा है 2 मिनट पहले ही। ऐसा क्यों होता है, ये जो नीचे में सूरज है उसका रोशनी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होने के बाद मेरे आंखों में पड़ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ऊपर वाला सूरज है यही असली सूरज है, जबकि ये तो एक अपेरेंट सन है, यानी कि तुम कह लो नकली वाला सूरज यानी सन है, ठीक है। अब एग्जैक्ट समय लेता है शाम का, सूरज ढल चुका है, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी सूरज नहीं ढला हुआ है, क्योंकि वही चीज़ हो रहा है, ये ढलता हुआ सूरज का जो हल्का फुल्का रोशनी है वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद मेरे आंखों में पड़ रहा है, जिसके बाद इसका एक अपेरेंट इमेज जो है यानी कि अपेरेंट सन जो है वो मुझे अभी भी ऊपर दिख रहा है, जबकि ऊपर है नहीं, अभी ढल चुका है, ठीक है। तो यही फिनोमिना है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का। तो चलो अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। देखो सनलाइट से रोशनी आता है अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है, और तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर के अंदर में ना हमारे ढेर सारे गैसेस है, ऑक्सीजन से लेकर नाइट्रोजन तक, ठीक है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, इसके अंदर में सन का जो लाइट होता है वो आता है, और ये मॉलिक्यूल्स उन लाइट्स को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने अंदर रख नहीं पाता, उससे वो चित्तर बितर फेंक देता उधर उधर, ठीक है, और इसी को कहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यार तुम ऐसे समझो, लाइट ना अपने आप को ये गाना गा रहे हो, बिखरने का मुझको शौक है बरा, समेटेगा मुझको तू जरा बता, ठीक है। मैं गाना घटिया गाता हूँ, बट ये समझा रहा था तुम्हें कि लाइट को ना बिखरने का शौक होता है, और उस शौक को पूरा करता है एटमॉस्फेयर के अंदर में जो ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल्स है वो।
एब्जॉर्ब करते हैं पहले लाइट को वो मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद उन्हें स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही बेस्ट एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट, जहाँ में क्या होता है, कुछ कोलाइडल पार्टिकल होता है उसके अंदर में, जब तुम लाइट को दोहराओगे तो वो स्कैटर्ड करने लगता है। लेकिन हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक रूम है जहाँ में क्या है, बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ है, तो अगर उस रूम में सूरज की रोशनी आता है तो तुम्हें स्कैटरिंग इफेक्ट दिखता है। फिर अगर तुम एक खिड़की खोलते हो और वहाँ धुआं धुआं होता है, सुट्टा फूकते हो तुम, तब भी वहाँ में तुम्हें हल्का फुल्का स्कैटरिंग इफेक्ट दिखता है। और फिर फॉरेस्ट के अंदर में भी तुम्हें दिखता है टिंडल इफेक्ट, क्योंकि वहाँ में भी जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो थोड़ा गीला गीला होता है, वाटर ड्रॉपलेट होता है हवा में, जिसके वजह से वहाँ में भी तुम्हें स्कैटरिंग देखने मिलता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट देखने मिलता है। बट यहाँ में एक बहुत ही डिटेल वाला सवाल है जो तुम्हें जानना चाहिए। स्कैटरिंग होता है तुमने ही जान लिया, बट स्कैटरिंग होने के बाद वो जो लाइट बनता है ना स्कैटर्ड होके, वो कैसा बनेगा? क्या वो ब्लू बनेगा, क्या वो रेड बनेगा, वो कैसा बनेगा यार? ये डिपेंड करता है कि जिस पार्टिकल पे वो लाइट टकरा रहा है ना, वो कैसा है। अगर वो गैसियस पार्टिकल बहुत ही छोटा है ना, तो याद रखना उस पार्टिकल के अंदर में ज़्यादातर ब्लू लाइट जो होता है वो स्कैटर्ड करता है, तो वह हमें रेड लाइट स्कैटर्ड करता है। और मान लो अगर कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फिर तो वह वाइट लाइट ही स्कैटर्ड करता है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमारे अर्थ के अंदर में जो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ में जो पार्टिकल पाया जाता है वो बहुत ही छोटा छोटा होता है, ठीक है। इसके वजह से देखो ज़्यादातर जो स्कैटरिंग होता है उसके बाद जो रंग निकलता है ना, वो ब्लू होता है। तुम देखते हो स्काई भी ब्लू है। इसके ऊपर ना सीबीसी वाले चाचा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताओ कि आसमान क्यों नीला दिखता है, यानी कि ब्लू दिखता है। हाँ बहुत सिंपल है यार, जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर होता है ना, जो आसमान कह लो तुम, वहां में बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल गैसियस पार्टिकल होता है, ठीक है। अब इन पार्टिकल में जब रोशनी पड़ता है ना, तो जो सबसे छोटा वेवलेंथ वाला रोशनी किसका होता है, ब्लू लाइट का, ठीक है। तो जब इन छोटे पार्टिकल्स में जो ब्लू लाइट गिरता है तो वो स्कैटर सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी कोई छोटे पार्टिकल में लाइट गिरेगा तो वो ओनली एंड ओनली ब्लू लाइट को ही स्कैटर्ड कर पाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ छोटा होता है, तो उसे वो पकड़ पाता है और स्कैटर्ड कर देता है। और इसके वजह से तुम्हारा जो आसमान है वो पूरा का पूरा नीला दिखता है। बट देखो ये स्कैटरिंग इफेक्ट तुम्हें और भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझने मिलता है जब तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाते, लाइक जब एस्ट्रोनॉट्स लोग बाहर जाते हैं ना, तो उसे हमारा जो अर्थ है ना और बाहर का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है, क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर में ना कोई स्कैटरिंग इफेक्ट होता है, ना ही वहाँ कोई छोटा मोटा पार्टिकल मिलता है जहाँ स्कैटर्ड हो पाएगा लाइट, तो इसकी वजह से चारों ओर ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है। बट जब तुम अर्थ के अंदर से देखते हो तो तुम्हें आसमान नीला दिखता है। अब ये तो हमने बात किया ब्लू लाइट का, जिसका वेवलेंथ छोटा होने के कारण वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड करता है और जो पूरा आसमान है वो ब्लू दिख रहा होता है। अब बात करते हैं रेड लाइट का, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा वेवलेंथ वाला लाइट है। अब देखो जब सूरज ढल रहा होता है या सूरज उग रहा होता है ना, तो इसका क्या कलर क्या होता है पता है? थोड़ा रेडिश सा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो जब सूरज ढल रहा होता है या उग रहा होता है ना, तो सूरज हमसे बहुत दूर होता है, हमारे आँखों से बहुत दूर होता है। तो जब सूरज हमसे दूर होता है तो वहाँ से जो लाइट आ रहा होता है ना, जिनका वेवलेंथ काफ़ी छोटा होता है, वो लाइट हम तक पहुँच ही नहीं पाता है। एक लोता लाइट रेड, जिसका वेवलेंथ बहुत ही लंबा होता है, वही हमारे आंखों में पहुंच रहा होता है, और इस चीज़ के वजह से हमें पूरा जो आसमान होता है उस समय रेड दिखाई देता है। बहुत सिंपल है, याद रखोगे रेड का वेवलेंथ लंबा होने के कारण सिर्फ रेड ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है ये शाम और बहुत ही सुबह का समय को, क्योंकि उस समय सूरज हमसे बहुत दूर होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मान लो सूरज तुम्हारे सर के ऊपर है, कब? 12 बजे का टाइम को। अब आसमान को देखो, वो कैसा दिखता है? नीला भी नहीं दिख रहा होता है, ठीक है, वो वाइट दिख रहा होता है। ये पूरा बात है डिस्टेंस का, जितना लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा होगा सूरज का रोशनी, वो उतना ही रेडिश दिखेगा, और जितना पास आता जाएगा वो उतना व्हाइटिश दिखेगा, ठीक है। और जब बीच में रहेगा तो वो ब्लू दिख रहा होता है। अब एक आखिरी सवाल कि ये जो क्लाउड होते हैं ना, ये वाइट क्यों होता है यार? देखो बहुत ही आसान सा जवाब है, क्लाउड बनते कैसे वो समझो। वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, ठंडा होता है, और फिर वाटर ड्रॉपलेट होके इकट्ठा वो एक क्लाउड बनाते हैं, राइट। तो जब सनलाइट इस बड़े से क्लाउड पे पड़ता है ना, तो वो सफ़ेद दिखता है। क्यों? देखो मैंने बताया था पहले ही, जब कोई पार्टिकल का साइज ज़्यादा बड़ा होता है तो वो कैसा दिखता है रंग? वाइट। स्कैटरिंग में पढ़ा था ना हमने, भूल गए क्या? अगर कोई छोटी चीज़ का स्कैटरिंग होगा तो वो ब्लू दिखेगा, मान लो कोई बड़ा चीज़ होगा तो वो रेडिश दिखेगा, और बहुत बड़ा होगा लाइक क्लाउड तो वो वाइट दिखेगा,
ठीक है, तो यही था ये चैप्टर यार, दोरा भरा था, दोरा कॉम्प्लेक्स था, बट हमने कर लिया ये चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर का नोट्स तुम्हें मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ इसका BYQs भी मिल जाएगा। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सही में यार कर लो, किसके लिए इंतजार कर रहे हो। मैं चलता हूँ, थैंक यू, लव यू ऑल। हाँ, तो जब मुझे किसी ने पूछा कि यार ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो यार देखो ऐसा है, जब तुम्हारा क्रश तुम्हें गलती से छू लेना, चाहे वो नोट्स लेने के बहाने से हो, या तुमने यार पेन मांग लिया हो, या फिर गलती से जानबूझ के ठीक है उसे टकरा गए, तो अंदर से एक फीलिंग आता है भाई, पूरा सिस्टम में ना कुछ हलचल मच जाता है। अब वो जो चीज़ है ना, उस समय बदन में एक तरह का करंट दौड़ता है, चार्जेस दौड़ता है, इसी को तो कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, नहीं कहते है क्या? हाँ कहते है। बट देखो तुम यार CVC वालों को ऐसा नहीं समझा सकते, तो यार ये रहा तुम्हारा डेफिनेशन जो कि तुम इस्तेमाल करोगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है यार? जो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं ना, फ्लो करते हैं ना, इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आसान था, बट देखो अब यहीं से खेल शुरू होता है। तुम्हें पता ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, और न्यूमेरिकल्स करना है तो फॉर्मूला चाहिए होगा, और फॉर्मूला तुम्हें रटना पड़ता है। बट मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा डेफिनेशन के साथ कि तुम्हें फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला तुम डेफिनेशन से ही निकाल लोगे। अब जैसे इस डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली I से। उसके बाद यहाँ में इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मैथमेटिकली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। पता है तुम्हें नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं। और साथ में ये रेट ऑफ फ्लो दिख रहा है तुम्हें, ये है टाइम। ठीक है, देखो तुम्हें यहाँ में तीन चीज़ें मिला, IT और Q, इससे हमारा इलेक्ट्रिक करेंट का फॉर्मूला आता है जो कि है IQ Q/T। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चाहिए तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्जेस को टाइम से डिवाइड कर देना है, निकल आएगा। बहुत आसान था। अब देखो और एक चीज़, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स की ओर ध्यान नहीं देंगे, हम बस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वहाँ में हम न्यूमेरिकल्स जितना भी चैप्टर्स के अंदर में दिया हुआ है उसे देखेंगे। तो यार इस वीडियो के लिए बस कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, ठीक है। अब देखो ये जो तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम, इन तीनों को ना मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करते हैं ना, तब हमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है तुम्हारे लिए, बट जब मैथमेटिकली करोगे तब ज़रूरत पड़ता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो जो SI यूनिट है करंट का वो है एम्पियर, और चार्ज का SI यूनिट है कूलम, और टाइम का तो तुम्हें पता ही है सेकेंड। अब देखो ये चीज़, तुमने समझ लिया कि करंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है एम्पियर। अब अगर तुम्हें पूछ दे कि 1 एम्पियर कैसे बनता है, तो देखो बहुत आसान है, 1 एम्पियर करंट बनता है जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में कोई डिवाइस से हम पास कराते हैं, तब वो होता है 1 एम्पियर। बहुत आसान है, जो मैंने बताया इसी चीज़ को तुम मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो तुमने यहाँ तक आने के बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो तो समझ लिया। अब उसके बाद इस चैप्टर के अंदर में दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस टॉपिक को ना मैं नहीं समझा रहा, मैं इस काबिल हूँ ही नहीं, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, तुम यार जाकिर भाई के मुंह से सुन लो ये बात, वो मुझसे काफ़ी अच्छी तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक लड़का तभी सीखता है जब उसकी लाइफ में लड़की आती है, मतलब जितना इवॉल्व एक लड़का अपनी पर्सनैलिटी में लड़की की वजह से होता है, लड़कों की वजह से हो ही नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि प्यार में इंसान अपनी लिमिट पुश करता है। हाँ, तो तुम लोग क्या समझे यहाँ से, लोग पुश करते हैं अपने आप को प्यार में, हाँ करते हैं, स्पेशली हम लड़के तो करते ही है। तो यार हमारी तरह ही ना जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इनके अंदर में जो ये चार्जेस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मूव करते हैं। अब तुमने सोचा ये कैसे मूव करते हैं, कोई इन्हें पुश करता है, तो ये जो पुश करता है ना, यही चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, यानी कि फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। जिसे तुम कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि
वर्क डन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चार्जेस को, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कहीं कहीं लिखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसे दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है जो कि है वोल्टेज, और जो इसका फॉर्मूला है वो तुम्हें डेफिनेशन से ही मिल जाएगा। डेफिनेशन में ध्यान से देखो, वर्क डन जो कि W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चार्ज जो कि Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे तुम्हारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि तुम कह लो वोल्टेज का फॉर्मूला। ठीक है, सब चीज़ें आसपास ही रहते हैं हमारे भाई, बस ध्यान देना होता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये 1 वोल्ट होता क्या है या फिर कैसे बनता है, तो देखो बहुत आसान है। तुम्हें अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो इसके लिए तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा 1 जूल का, जिससे कि तुम जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं ना, 1 कॉलम को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराओगे। देखो यहाँ में 2 चीज़ देखा तुमने, जूल कॉलम, जूल रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन को, और कूलम रिप्रेजेंट कर रहा है चार्जेस को। तो ये जो चार्ज है 1 कूलम का, इसे 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके गए 1 जूल का वर्क डन करके, तो इससे हमें मिला 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक मिनट प्लीज़ रुक जाओ, मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें, बट भूल गया मैं, कोई नहीं अब बता देता हूँ। देखो तुमने 2 चीज़ें पढ़ा अभी, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में तुम्हें एक चीज़ कॉमन दिखा क्या, इन दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रिक चार्जेस का मेंशन है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव होता है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो यह क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इलेक्ट्रिक करंट का या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस का डायरेक्शन को बताओ, तो बहुत आसान है यार। अजीब बहन का लौड़ा है ये, मुझे मालूम है। अब देखो ये जो चार्जेस के अंदर में नेगेटिव चार्ज है ना, इसे यार इलेक्ट्रॉन कहते थे ये हमें पता नहीं था, तो हम यार मान के चलते थे कि यार जो चार्जेस होता है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, और क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है तो करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता होगा। ठीक है, बट फिर हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये जो प्रोटॉन है ये तो मूव ही नहीं करता है। तो सवाल उठता है यार, जब ये मूव ही नहीं करता है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कैसे जाता है, तो फिर हमें पता चलता है ये जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाता है करंट के। ठीक है, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है तो प्रोटॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, यानी कि करंट और इलेक्ट्रॉन के बीच ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। दैट्स इट। तो आई गेस अब तुम्हें डायरेक्शन को लेके कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, आता है क्वेश्चंस कभी कभी तो देख लेना। अब आता है इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम्हारा क्रश तुम्हें गलती से, ठीक है भाई, गलती से या तुम जानबूझ के उसे छू लो, तो सिस्टम में यार एक करंट दौड़ता है हमारे, ठीक है, अंदर से दौड़ता है, सही बात है। अब देखो हमारा बॉडी में दौड़ता है ना करंट, तो ये बॉडी ना एक तरीके से सर्किट की तरह काम करता है, क्योंकि सर्किट क्या है, एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ है जिसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो करते रहता है। तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा बॉडी जब तुम्हारा क्रश तुम्हें छूता है तो बिल्कुल वो एक सर्किट की तरह काम करता है जहाँ चार्जेस फ्लो करते रहता है, समझ गए। अब देखो तुम सर्किट क्या होता है वो तो समझ गए, अब सर्किट को जब तुम ड्रॉ करोगे ना कुछ सिंबल्स का जानना जरूरी है, उन सिंबल्स को देख लो। सबसे पहला है सेल, अब यहाँ ना ये दिखने में कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को दिखाया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव सिंबल है ये थोड़ा लंबा होता है और नेगेटिव थोड़ा छोटा होता है, वैसे तो साइज डजंट मैटर बट हाँ फिजिक्स में मैटर करता है, हाँ मैटर करता है, पॉजिटिव थोड़ा बड़ा होता है और नेगेटिव थोड़ा छोटा होता है, तुम समझ रहे हो। और जब ये जो सेल्स है ना ये एक साथ मिल जाते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसे हम कहते हैं बैटरी। तुमने देखा होगा बैटरी के अंदर में कई सारे सेल्स होता है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को या फिर बैटरी को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। और तीसरा है स्विच,
देखो हमारे पास जो भी सर्किट होता है उस सर्किट को बंद या फिर खोलने के लिए स्विच होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है जब वो बंद होता है। और जब हम सर्किट को खोल देते हैं तो अंदर में एक डॉट डाल देते हैं जिससे कि वो स्विच कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब इसके बाद है वायर्स। तो वायर्स भी दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल वायर होता है लंबा सा, और जब हम वायर्स को जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर है बल्ब, बल्ब का तो तुम्हें पता ही है। फिर है रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए देख लो डायग्राम बस, ठीक है। तो इस रेजिस्टर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट होके फिर वेवी सा होता है फिर स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो रेजिस्टर्स ऐसा तो होता है, फिर अलग एक तरह का होता है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स, या फिर तुम कह सकते हो इसे रियो स्टेट। सेम रेजिस्टर्स जैसा ही दिखता है, बट यह एक छोटा सा डिफरेंस है, ये बीच में एक एरो दिख रहा है ऊपर की ओर जाते हुए। जब ऐसा लग जाता है ना रेजिस्टर्स के ऊपर, इसका मतलब ये नॉर्मल रेजिस्टर्स नहीं है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर, या फिर तुम कह सकते हो ये है रियो स्टेट। अभी ये क्या होता है वो भी आगे देखेंगे हम, अभी के लिए बस सिंबल्स को देखो। उसके बाद है वोल्ट मीटर, और आखिरी है एमिटर, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, अगर तुम्हें नापना है ना पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को, तब तुम इस्तेमाल करोगे वोल्ट मीटर का, और अगर तुम्हें नापना है करंट तो तुम इस्तेमाल करोगे एमिटर का। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है यार। हाँ तो अब तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये तो समझ आ गया, बट जो चीज़ तुम्हें आज समझ आया ना, ये चीज़ आज से 200 साल पहले इन 1827 इस महाजन को समझ आया। और भाई साहब जब उसने समझा ना तो उसने इसके ऊपर एक लॉ ही दे दिया। बताओ यार तुम्हें समझ आया था, ठीक है शांत रहो। नहीं हम तो यार लॉ दे के ही मानेंगे और बच्चों का जिंदगी बर्बाद करके ही मानेंगे, तो चलो करते हैं बर्बाद। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। तो चलो यार करते हैं जिंदगी को बर्बाद ओम श्लोक को पढ़ते हुए। देखो यार ओम श्लोक कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ओम श्लोक के अंदर में बताया गया है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के बीच कैसा रिलेशनशिप होगा। बाकी यार देखो ये तो प्रॉब्लमेटिक वाला चीज़ है, यहाँ अपने रिलेशनशिप को ही संभाल नहीं पाते हम, और यहाँ करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप कैसे समझे। क्या बताया यार, तुम लोग का तो फिर भी ठीक ही होता होगा, अपने पे तो यार अब तो रिलेशनशिप में आया ही नहीं कभी। खैर क्या ही करना उससे, हम तो सिंगल लौंडे, दूर रखते हैं सब बातें। अपने को तो अब यही रिलेशनशिप समझना है, क्योंकि अपने पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। चलो यार तो देखो ओम्स लॉ में बताया गया कि करंट और वोल्टेज के बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर तुम कोई डिवाइस के अंदर में ना उसका वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा वहाँ, और अगर तुम वोल्टेज कमाओगे तो करंट भी कमेगा। ये चीज़ बताया था ओम्स लॉ के अंदर में, ठीक है, कि करंट जो होता है ना एक डिवाइस के अंदर में या सर्किट के अंदर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। और तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, तो बताना ये चाह रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप, समझ गए। हाँ अब क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं शायद ये करंट और वोल्टेज निब्बा निब्बी होते होंगे। हाँ तो जो निब्बी कहेगा और निब्बा को तो मानना पड़ता है ना भाई साहब, तो हमारा वोल्टेज हो गया निब्बी और करंट हो गया निब्बा, तो निब्बी ने कुछ कहा तो निब्बा ने करके दिखा दिया। हाँ तो ये जो है मैथमेटिकली अब बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। करंट रिप्रेजेंट करता है आई से, और वी रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो तुम्हें ये सिंबल दिख रहा है ना इसका मतलब है प्रोपोर्शनल यानी कि बराबर, इक्वल, समझ रहे हो। बट जब तुम किताब में ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखोगे ना तो वो ऐसा नहीं दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब तुम इतना तो पता है कि आई क्या होता है और वी क्या होता है, बट ये आर कहाँ से आया, ये कहाँ से आया बे, कहीं डैडीज नाजायज औलाद तो नहीं है भाई ये, कुछ ऐसा ही है समझो। देखो तुम्हें पता है एक डिवाइस के अंदर में वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ता है, बराबर। बट अब वो जो डिवाइस है वो किसी वायर से कनेक्टेड है ना, बढ़िया। अब देखो वो वायर के अंदर में
जो करंट पास करता है ना, तो वो डिपेंड करता है कि वायर का मटेरियल कैसा है। जैसे कि देखो, कोई वायर्स होता है जैसे कि क्रॉपर का, जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट वहीं पे कुछ ऐसे वायर्स भी होते हैं जो कि अच्छा कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके वजह से एक रेजिस्टेंस बनता है। जब तुम अच्छे वायर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो वहाँ में रुकावट कम होता है, यानी कि रेजिस्टेंस कम होता है। और वहीं पे जो बेकार सा वायर्स होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, वहाँ में जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं तो वहाँ में जो रेजिस्टेंस यानी कि रुकावटें हैं वो ज़्यादा दिखता है हमें। तो यही से आता है आर। तो यार यही था, ठीक है। ओम्स लॉ ने सिंपल सा कहा कि अगर तुम टेम्परेचर को कोई चीज़ का कॉन्स्टेंट रखते हो, बराबर, देखो यहाँ ध्यान देना, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ठीक है। देखो अगर तुम्हें बोर्ड में मार्क्स चाहिए ना तो वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, उसके बाद सर्किट के अंदर में तुम अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, बट क्योंकि वायर के ऊपर डिपेंड करता है कोई चीज़, इसलिए आर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये इक्वेशन बनता है। दैट्स इट। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। अब देखो ऐसा है, आई नो कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या होता है ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, क्या होता है ये, मतलब जल्दीबाजी में मैंने बस बता दिया और तुम्हें समझ कुछ आया नहीं। कोई नहीं यार, हम किस लिए बैठे हैं, एक एक डाउट क्लियर करेंगे तुम्हारा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। देखो तुम्हें पता है मैं अभी तक सिंगल हूँ, 21 का हूँ फिर भी सिंगल हूँ, पता है क्यों? एक रीज़न, अपने को ना ये लगता है ना कि किसी लड़की को अगर प्रपोज मार दूँ ना तो मुझे रिजेक्ट ही कर देगा, और भाई साहब इसी डर की वजह से ना आज तक मैंने किसी को प्रपोज किया ही नहीं, ना ऑनलाइन में किसी को किया, ना चिट्ठी लिख के किया, और भाई साहब फेस टू फेस तो भूल ही जाओ बात, ठीक है। तो अपने को एक चीज़ रोक रहा है, वो क्या है, अपना ही डर कि भाई साहब ना हम तो काबिल ही नहीं है, हम क्या ही बटा लेंगे लड़की, ठीक है। तो ये अपना रेजिस्टेंस है, रोक रहा है ये चीज़ हमें। उसी तरीके से ना वायर्स के अंदर में या डिवाइस के अंदर में करंट को फ्लो होने से रोकता है एक चीज़, और वही चीज़ को कहते हैं रेजिस्टेंस। समझ गए, बहुत आसान था, आसान तो हो गई। अब देखो रेजिस्टेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे तुम ऐसा यूनिट कहते हो वो है ओम्स। ये क्यों ओम्स के नाम से है, क्योंकि ओम्स चचा ने ही इस रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमें दिया था तो उनके नाम पे ही है। हाँ, अब अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ 1 ओम्स कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट के अंदर में दोहराते हैं तो उससे क्या होता है, 1 एम्पायर करंट दौड़ता है उस सर्किट के अंदर में, और जिससे कि 1 ओम्स रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि तुम सिंबॉलिकली कह सकते हो 1 ओम्स इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पायर, ठीक है। और देखो रेजिस्टेंस के ऊपर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसका जो जनरल फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ तुम लोगों को बता रहा हूँ, जितना भी मैंने फॉर्मूला से भी बताया उन्हें थ्योरी से अलग रखो, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब तुम्हें ना ये फॉर्मूला से हेल्प करेगा। तो अगर तुम फॉर्मूलाज का अलग से बना रहे हो तो अच्छा रहता है। तुम्हें कैसे करना है, बस जैसे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है करंट के बारे में, उसका अलग फॉर्मूला है तो उसे लिख लो, करंट बोल के लिख के नीचे में उसका फॉर्मूला, फिर तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिखो ऊपर और उसका फॉर्मूला को नीचे लिखो, फिर ओम्स लॉ का अपना फॉर्मूला है उसे भी लिख लो, और अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है उसका भी लिख लो। तब क्या होगा, जब आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं एक चीज़ क्लियर होगा कि देखो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, इतना क्लैरिटी होगा ना तो भाई साहब समझ रहे हो आगे क्या होने वाला है, धमाल। हाँ हाँ, तो रेजिस्टेंस क्लियर है। अब यार इसके बाद देखो 2 कॉन्सेप्ट एक एक मार्क का पूछा जा सकता है, ये रेजिस्टर्स और रियोस्टेट क्या होता है। पहले बात करते हैं रेजिस्टर्स से। देखो तुम्हें पता है डिवाइस के अंदर में करंट फ्लो होता है, जितना हम वोल्टेज लगाएंगे करंट उतना ही ज़्यादा होगा, इतना पता है। बट देखो हर एक डिवाइस का अपना एक कैपेसिटी होता है, तुम अगर उस डिवाइस में उस कैपेसिटी से ज़्यादा करंट को फ्लो करोगे तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो हम एक डिवाइस के अंदर में कितना करंट पास हो एक लिमिट फिक्स कर सकते हैं एक डिवाइस लगाते हुए, और वो डिवाइस और कुछ नहीं ये रेजिस्टर्स है। हम रेजिस्टर्स को लगाते हैं ताकि जब डिवाइस के अंदर में करंट जाए भाई साहब इतना ही जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ज़्यादा जाओगे तो फिर डिवाइस तो फट ही जाएगा। इसे तुमने देखा होगा जो पहले समय के टीवीज थे या फोन्स था, क्या होता था वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस की वजह से फट जाता था,
बट देखो अभी नहीं फटता है क्योंकि हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर लिया उसके ऊपर, ठीक है। फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है रियो स्टेट, ये क्या है? ये एक डिवाइस है जिसे तुम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो रेजिस्टेंस को, ठीक है। मतलब यार देखो, अगर मान लो तुम्हें कोई डिवाइस के अंदर में करंट को कंट्रोल करना है, ज़्यादा कम, ठीक है, फ्लक्चुएट करना है खुद से मैन्युअली, तब तुम क्या करोगे, इस रियो स्टेट का इस्तेमाल करोगे, और जब तुम्हें ज़रूरत होगा ज़्यादा करने का तुम ज़्यादा कर लोगे, जब कम होगा कम कर लोगे। दैट्स कॉल्ड रियो स्टेट। अब देखो इसके बाद जो अगला टॉपिक है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर में डिपेंड करता है, इसे ना थोड़ी देर के बाद समझते हैं। थोड़ा सा दो तीन कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना रिलेटेड नहीं है, बट तुम्हें जो ये टॉपिक है ना इसे समझाने के लिए वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो मिनट लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट आई गेस तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। देखो, कोई भी जो चीज़ है ना वो या तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है इंसुलेटर। देखो, गुड कंडक्टर यानी वहाँ आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, तो ऐसे चीज़ों में ना रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है क्योंकि वो इजीली करंट पास कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ना के बराबर ही होगा, ऑब्वियस बात है। दूसरा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास तो होता है बट हाँ थोड़ा बहुत रुकावटें होता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है बट बहुत ही लिमिटेड होता है। फिर जो तीसरा है इंसुलेटर्स, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता है भाई साहब, जिसका वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये चीज़ क्लियर है? अब एग्जांपल के लिए तुमने यार वायर्स को देखा है, इसके अंदर में जो अंदर वाला पार्ट होता है ना क्या होता है, वो मेटल का बना हुआ होता है, यानी कि वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ऊपर का जो वो रबर वाला वायर होता है ना वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तुम अगर रबर को छूओगे तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, बट अगर तुम उस रबर के अंदर में जो मेटल है उसे छू लोगे ना भाई साहब उसके बाद तुम इस दुनिया में तो रह नहीं पाओगे, तुम्हें बस स्वर्ग ही सुधारना पड़ेगा। हाँ, तो ये समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो पहला चीज़ देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर में रेजिस्टेंस कितना रहेगा नहीं रहेगा, जो पहला फैक्टर है कि उस कंडक्टर का लेंथ कितना है। अगर कोई कंडक्टर का लेंथ लंबा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर वो कंडक्टर का लेंथ छोटा है तो उसका जो है रेजिस्टेंस भी कम होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है कंडक्टर का एरिया कितना है, यानी कि वो कितना मोटा है या कितना पतला है। देखो जनरली क्या होता है, अगर कोई कंडक्टर है, या कि तुम कंडक्टर ऐसे कन्फ्यूज में तो ना, ठीक है, वायर्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो, ठीक है, अगर वो चीज़ ना मोटा होता है ना तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकता है, तो वहाँ रेजिस्टेंस कम रहता है, और वहीं पे अगर वो चीज़ पतला हो, थिन हो, तब वहाँ में क्या होगा, करंट आसानी से पास नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, दैट्स इट। फिर जो तीसरा है नेचर ऑफ है मटेरियल, वो तो मैंने अभी तुम्हें बताया ही है कि अगर कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ में रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर इंसुलेटर है तो वहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यार ख़त्म ये टॉपिक भी फिर। हाँ, तो इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वर्ड जिसके नाम से ही ना तुम्हारी गंड मतलब हाँ गाल 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 तुम्हारी गाल लाल हो सकती है। बहुत ही खतरनाक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है रेजिस्टिविटी। देखो तुम्हें पता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावटें, कैसे तुम एक वायर के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हो, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ में देखो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में एक छोटा सा अंतर है। देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ एक वायर या फिर एक डिवाइस के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर रहा था ना तो उसे कितना रोका है तुमने, कितना रेजिस्टेंस दिखाया है, यानी कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ न्यूमेरिकली निकाल के दिखाओ मुझे, तब ये कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, कितना रेजिस्टिंग पावर है कोई भी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका जब तुम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, या फिर तुम कह लो ऐसा यूनिट है, वो है ओम मीटर। और एक चीज़ देखो, रेजिस्टिविटी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कितना मोटा है और कितना लंबा है। क्या ऐसे क्या थे करो? अबे मैं वायर का बात कर रहा हूँ, कितना मोटा वायर, कितना लंबा वायर। साले डर्टी माइंडेड पीपल, कुछ भी मतलब ना, मतलब कुछ भी। सुनो, रेजिस्टिविटी में
ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कितना लंबा है और कितना मोटा है वायर का लेंथ या थिकनेस, ठीक है। जबकि रेजिस्टेंस के अंदर में हमने पढ़ा था कि वो कितना लंबा है, कितना मोटा है और उसका मटेरियल कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी के अंदर में सिंपली ये डिपेंड करता है कि कोई भी जो वायर है वो किस क्वालिटी का है, किस मटेरियल से बना हुआ है, दैट्स इट। हाँ, तो इसके बाद एक चीज़, अगर तुम्हें एग्ज़ाम में ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ दे कि बताओ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो तुम ये जो मैंने लिख दिया है यहाँ मैं, तुम आगे देख पा रहे हो इसे लिख देना। हाँ, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वही चीज़ों को मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी क्या होता है, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, और हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो तुम्हें बता ही दिया है कि रेजिस्टर्स क्या होता है। क्या होता है रेजिस्टर्स? जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है कोई भी डिवाइस के अंदर में, वही तो होता है रेजिस्टर्स। हाँ, तो देखो रेजिस्टर्स को लगाने का दो तरीका होता है कोई भी डिवाइस के अंदर में। या तो हम रेजिस्टर्स को एक के बाद एक, एक के बाद एक सीरीज में लगा सकते हैं, या फिर हम उन्हें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके पैरेलली लगा सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि अगर तुम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाओ, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक लगाओ सीधे लाइन पे, तो क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाओ ना एक के बाद एक करके, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। देख रहे हो तुम यहाँ में, R1 है पहला रजिस्टर, R2 दूसरा और R3 तीसरा, ठीक है। अब जब तुम ऐसे लगाओगे ना इसे, तो करंट जो होगा ना वो पूरे सर्किट के अंदर में कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ में सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा वोल्टेज। वोल्टेज इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि तीन रजिस्टर्स है, तो तीनों रजिस्टर में वोल्टेज अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है ना, जब तुम सीरीज में इसे प्लॉट करोगे तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। देखो सर्किट के अंदर में तीन रेजिस्टर्स है, इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टर कहते हैं हम उसे RS, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, बट यार देखो कभी कभी क्या होता है, CVC वाले ना ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना इसे इक्वेशन के तौर पे डिराइव करने देते हैं कि बताओ ये जो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है ये आया कैसे। अब जब तुम इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा नज़र जा रहा होगा V1, V2, V3, ये तीनों ही वोल्टेजेस है अलग अलग, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइनली एक सिंगल वोल्टेज बनता है जिसे हम कहते हैं VS, ठीक है, बराबर। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? IR, हाँ यही तो है। आगे पहले तो याद है कि नहीं है तुम्हें? याद है। अब जहाँ में भी वोल्टेज दिया हुआ है ना, इसे वोल्टेज को हटा के वोल्टेज का जो फॉर्मूला है उसे पुट कर दो, ठीक है। VS के जगह में IRS डाल दो, V1 के जगह में IR1, V2 के जगह में IR2, V3 के जगह में IR3। ये तुम्हारा कहाँ से आया, ब्रैकेट में लिख लेना, ये आया है ओम्स लॉ से, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये ओम्स लॉ है, ठीक है, बराबर। अब देखो इसमें से ना अभी क्या करो, I को कॉमन ले लो, ले लिया, क्योंकि देखो सब में आई तो है बट आर कॉमन नहीं है, क्योंकि R1 है, R2 है, R3 है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो आई को कॉमन ले लो और फिर R को अलग से रख लो, तो आई को कॉमन ले लो, और देखो कॉमन लेने के बाद इधर में आई और इधर में आई दोनों कट जाएगा। अब देखो ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन हमें बनाना था वो आ चुका है, तो बहुत आसान है भाई। हम क्या करेंगे, पहले ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। हमें वोल्टेज लेना है, वोल्टेज से फिर वोल्टेज का फॉर्मूला डालना है जो कि ओम्स लॉ से आता है, और फिर हमें कुछ डिडक्शन करना है। क्या डिडक्शन करना है? हमें आई यानी कि करंट को माइनस कर देना है कॉमन लेते हुए, मेरा इक्वेशन ईजीली आ जाएगा, कुछ नहीं करने जैसा, आसान था। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं तुमसे कहूँगा कि रिवाइंड करके थोड़ा देख लो। अब बढ़ते हम, अगर तुम रेजिस्टर्स को पैरेलली लगाओ तो क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है, देखो पैरेलली इन द सेंस क्या, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, बहुत आसान है। देखो जब तुम इस तरीके से कोई डायग्राम बनाओगे या फिर एक सर्किट बनाओगे ना, तो यहाँ में ना वोल्टेज क्या होगा पूरे सर्किट के अंदर में बराबर रहेगा। ध्यान दो, जब तुम सीरीज में लगाते थे
तब करंट कांस्टेंट रहता था, बट जब तुम लगाओगे पैरेलली तब वोल्टेज बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ में चेंज होगा करंट, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, 1/RP, पी इन द सेंस पैरेलल। ठीक है, तो 1/RP से क्या बनता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तीन रेजिस्टर्स है तो तीनों को कंबाइन करके बनता है 1/RP। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि हमने पहले भी एक इक्वेशन डिराइव किया था कि ये जो भी ये जनरल फॉर्मूला है ना, ये आया कैसे, तो फिर से करते हैं, जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल लगाएंगे तब कैसा इक्वेशन बनेगा, बहुत आसान है। देखो जब हमने सीरीज़ में लिया था तब हमने वोल्टेज को लिया था, वोल्टेज को इसलिए लिया था क्योंकि वोल्टेज वहाँ में चेंज हो रहा था, करंट कांस्टेंट था, बट हम यहाँ में वोल्टेज नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ में करंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ में हम फॉर्मूला में सबसे पहले लेंगे करंट, तो करंट में IP इक्वल्स टू I1 + I2 + I3 ये है। फिर इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। हमें पता है ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR होता है। तो अगर तुम्हें I निकालना है तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, V/R। ठीक है, तो जब तुम कर लोगे इसे तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, V/RP = V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आया ओम्स लॉ से, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद। अब आगे क्या करना है तुम्हें, तुम्हें पता है पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है यानी कि बराबर होता है, तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे जितना भी वोल्टेज का वैल्यू है वो 1 होगा, तो सबके ऊपर हम V हटाकर 1111 डाल देंगे। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, या फिर तुम कह लो जनरल इक्वेशन, बहुत आसान है। हाँ, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये टॉपिक बताने का कोशिश ये कर रहा है कि करंट की वजह से कैसे डिवाइसेस के अंदर में हीट जनरेट होता है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट कोई भी डिवाइस के अंदर से पास कर रहा होता है और अगर वो डिवाइस के अंदर में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है तब क्या होगा, वहाँ हीट जनरेट होगा, एंड दैट्स कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इतना आसान था, देख रहे हो, बट देखो जब तुम्हें लगे ना लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, सब चीज़ें यार स्मूथली चल रहा है, तब कोई बहन का लोहरा आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में लोहरे लगा के जाएगा। और भाई साहब ये फिजिक्स में यही हो रहा है, ये जनाब आता है और कहता है, देखो ये जो तुमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को इतने आसानी से बताया ना, इसे मैथमेटिकली कैसे बताओगे तुम, मेरा लॉ ले लो, जूस लॉ ऑफ हीटिंग, इसे तुम मैथमेटिकली बता पाओगे। केला मोकेल, बात बात में यहाँ मैं न्यूमेरिकल्स मैं जा रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं है, बोका चौदह बिला केला बाल अकुमान पसत पसत न्यूमेरिकल्स लो आए मोए नौकरो। अरे अरे बीवी तुम, अरे क्या क्या हुआ, क्या है भाई, हम ऑफेंड नहीं हो रहे, तुम क्यों हो रहे हो, अरे आ जाओ यार, देखो 100 की करवा देंगे तुम्हारा, हम पक्का प्रॉमिस कर रहे, आ जाओ आ जाओ। सच में 100 की करवा दोगे? अरे हाँ बीवी, करवा देंगे, पिंक की प्रॉमिस। ठीक है फिर आ रहा हूँ मैं, चलो प्लीज़। हाँ 100 के करवा दो प्लीज़ प्लीज़। हाँ प्लीज़ जल्दी, हाँ बहुत एक्साइटमेंट है। चलो तो पढ़ते हैं जूस लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। देखो इस लॉ के अंदर में सिंपली ये कहा गया कि कोई भी डिवाइस के अंदर में हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, तीन कारणों के वजह से। उस डिवाइस के अंदर में करंट कितना है, उस डिवाइस के अंदर में रेजिस्टेंस कितना है, और टाइम कितना लग रहा है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और जितना समय तक तुम करंट को वहाँ से पास करोगे उतना ज़्यादा ही हीट जनरेट होगा। तुमने देखा होगा जब हम फ़ोन को बहुत देर तक यूज़ करते हैं तब वो गर्म हो जाता है, तो ये टाइम वाला फैक्टर है, और रेजिस्टेंस और करंट वाला तो तुम्हें पता ही है। ठीक है,
अब जब तुम इसका फॉर्मूला देखोगे तो वो कुछ ऐसा है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो आई का मतलब तो करंट है, आर का मतलब रेजिस्टेंस है और टी का मतलब टाइम है। अब यार प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि यार ये आई स्क्वायर क्या है, मुझे नहीं पता यार। मैंने ना लॉजिक का क्या किया, बत्ती बनाया और फिर अपने ही अंदर डाल लिया, तो मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते। अब देखो मैंने तुम्हें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बताया, उसे मैथमेटिकली कैसे दिखाया जाता है वो भी बताया, उसका फॉर्मूला भी बताया। अब प्रैक्टिकली उसे कैसे अप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ना? तो दो डिवाइस है, एक है बल्ब और दूसरा है फ्यूज़। देखते हैं इन दोनों डिवाइस के अंदर में हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। पहले बात करते हैं बल्ब से। देखो जब तुम बल्ब को ध्यान से देखोगे अंदर पे, तो एक छोटा सा वायर होता है, वो क्या से बना हुआ है, टंगस्टन। अब देखो टंगस्टन के अंदर में खासियत ये है कि इसके अंदर में रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो इन दोनों खास चीज़ों की वजह से ये दो चीज़ कर पाता है, हीट जनरेट कर पाता है और लाइट जनरेट कर पाता है, और इसीलिए तो बल्ब ग्लो करता है। दैट्स इट। फिर बढ़ता है फ्यूज़ के ऊपर। अब देखो फ्यूज़ का तो क्या ही बताए, खुद हमारा फ्यूज़ उड़ा हुआ है, तो तुम्हें क्या बताए फ्यूज़ के बारे में? बस इतना समझ लो, अगर इतना बड़ा चैप्टर को मैं बस तुम्हें ऐसे ही बिना जोक्स बिना किसी चीज़ के बस पढ़ाते रहता ना, तो तुम्हारा दिमाग में शॉर्ट सर्किट होना तो पक्का था। बट एक चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने से रोक रहा है वो है मेरा डबल मीनिंग वाला जोक्स, आई गेस, जो कि काम कर रहा है एज ए फ्यूज़। जब भी तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है तो मैं फ्यूज़ की तरह फट जाता हूँ और तुम्हारा दिमाग को ठंडा कर देता हूँ, आई गेस ऐसा ही होता होगा। तो देखो फ्यूज़ भी कुछ इस तरीके से काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में फ्यूज़ फिट करता है ताकि वो डिवाइस के अंदर में शॉर्ट सर्किट ना हो। दैट्स इट। देखो डिवाइस के अंदर में एक छोटा सा वायर फिट करते हैं हम, जो कि बना हुआ होता है कम्बिनेशन से, एलॉय है ये, तो आयरन क्रॉपर और बहुत ज़्यादा चीज़ से बना हुआ होता है। अब इस वायर की खासियत ये है कि इस वायर के अंदर में रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है बट मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अब यही चीज़ इसको फ़ायदा देता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो जब भी डिवाइस के अंदर में टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू चेंज इन द वोल्टेज, तब क्या होता है, ये जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाता है। तो जब ये मेल्ट हो जाता है तो पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है और तुम्हारा डिवाइस जो है वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। देख रहे हो कितना आसान है? तो यही है फ्यूज़ का काम, तुम्हारा डिवाइस को शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। ये क्यों रोक पाता है? क्योंकि जो फ्यूज़ होता है वो बना हुआ होता है कुछ इस तरीके के मेटल से जिसके अंदर में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तो जैसे ही हीट बढ़ता है वो मेल्ट हो जाता है और पूरे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। दैट्स इट। अब देखो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। बहुत आसान है यार, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डिवाइसेस कितने समय पे कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ये जानने को ही कहता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हर डिवाइस का अपना अपना पावर होता है। जैसे देखो मेरा फ़ोन का पावर कितना है, ये मुश्किल से 3 घंटा चल पाता है, उसके बाद भाई साहब डाउन और पबजी खेल नहीं पाते हम, 3 घंटा का कैपेसिटी है इसका। तो इसका जो इलेक्ट्रिक पावर है वो है 3 आवर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वाट है और क्या होगा? तो अगर तुम्हें सवाल आ गया कि 1 वाट कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, 2 चीज़ चाहिए, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कैसे, अगर तुम कोई भी डिवाइस या सर्किट के अंदर में 1 एम्पायर करंट दोहराते हो और साथ ही साथ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाते हो ना, तब तुम्हारे पास आएगा 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर, बराबर। अब इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक पावर का ना फॉर्मूला क्या है हमने पढ़ा। देखो तुम्हें पता है फिजिक्स का आदत है, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उसके ऊपर तुम्हें मिल जाएगा अपना एक फॉर्मूला। बट देखो दुख की बात यह है, ये जो एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, इसमें ना 3 फॉर्मूलास है, अलग अलग क्वेश्चन पे तुम अलग अलग फॉर्मूलास इस्तेमाल करोगे। पहला फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू वी आई, दूसरा फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। देख रहे हो? अब देखो ये 3 फॉर्मूलास है, इन 3 फॉर्मूलास को हम अलग अलग क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे।
सपोज देखो कोई क्वेश्चन है जहाँ तुम्हें बताया गया है कि वोल्टेज और करंट के बीच कैसा रिलेशन है, तब तुम पहला फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। फिर अगर तुम्हें पूछ दिया नहीं करंट और रेजिस्टेंस के बीच कैसा है, तब तुम दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। और आखिर अगर तुम्हें पूछ दे कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच कैसा सब सीन चल रहा है, तब तुम तीसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। तो डिफरेंट फॉर्मूलास यूज़ करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस पे, जो कि हम न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो पे देखेंगे। आई गेस हाँ चैप्टर ख़त्म हो चुका है लगभग। बट देखो एक चीज़ है, मैंने बताया तुम्हें कि इलेक्ट्रिक पावर को मेज़र किया जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसका वो है वाट। बट देखो कॉमनली ना हम वाट को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही छोटा यूनिट है। तो हम ना एक बड़ा यूनिट लेते हैं जिसे हम कहते हैं 1 किलोवाट। वो कितना होता है, वो होता है 1000 वाट को मिलके होता है 1 किलोवाट। ठीक है, तो तुम जब अलग अलग डिवाइस के अंदर में देखोगे तो वहाँ अलग अलग किलोवाट देखने मिलता है। और इसे थोड़ा आगे चले जाओ, जो बिजली विभाग से जो तुम्हारे घर पे बिजली आता है ना, वो कैसे मेजर किया जाता है, तो वो भी किलोवाट पे ही देखा जाता है, बट वो घंटे के हिसाब से होता है। तो तुम कह सकते हो जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो है किलोवाट आवर। ठीक है, हाँ यही है। तो तुम कह सकते हो तुम्हारे घर में जो बिजली आता है अगर तुम्हें उसे मेजरमेंट करना है, यानी कि उसका कॉमर्शियल यूनिट निकालना है ना, तो तुम्हें क्या करना है, किलोवाट आवर के हिसाब से निकालोगे। तो तुम्हें यहाँ पे मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि तुम अपने एरिया पे जाके पता करोगे, किसी से भी पूछ लेना कि 1 यूनिट बिजली का तुम्हारे यहाँ कितना चार्ज किया जा रहा है। कर लोगे आई गेस, इतना तो कर ही सकते हो। तो ठीक है यार, वीडियो होता है ख़त्म। तो अगर मैं तुम्हारे सामने कहूँ कि रिलेशनशिप, इस वर्ड से तुम्हारे दिमाग पे क्या चल रहा है, निब्बा निब्बी वाला रिलेशन, ये क्या है? अच्छा चलो ये नहीं, ट्रू लव वाला, वही जो छपरिया करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा ये भी नहीं, फिर क्या? अब तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा ना, सच्ची मोहब्बत जिसके लिए लोग जान तक दे देते हैं, कह सकते हो। तो आज हम एक ऐसे ही सच्ची लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे, एक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे जो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ करंट और मैग्नेट का बीच का रिलेशन। सुनने में ये बहुत ही अटपटा सा लग रहा है तुम्हें, आई नो, बट इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद तुम कहोगे कि ये मैग्नेट और करंट दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं जन्मों जन्मों से। इन दोनों के बीच का प्यार मोहब्बत बहुत ही गहरा है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसे तुम बहुत ही जल्द समझ जाओगे। तो ये जो रिलेशन है ना करंट और मैग्नेट के बीच, ये हम नहीं समझ पाए थे। सबसे पहले समझा था इसे इन चचा ने, जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। तो बेसिकली इन्होंने देखा क्या कि जब कोई वायर में मैं करंट दौड़ाता हूँ ना, तो उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये उन्हें कैसे पता चला? एक मैग्नेटिक कंपास को वायर के पास रख दिया, उसके बाद जब करंट दौड़ाया ना, तो ये कंपास के अंदर में कुछ हलचल हो रहा था। और ये हलचल इसलिए हो रहा था क्योंकि आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। तो यहीं से शुरुआत होता है इस लव स्टोरी का। अब आगे देखो हमें समझना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। अगर ये समझना है ना, तो इसके लिए इनका प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा। तो इनके प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जो पहला है कि ये लाइंस ना क्लोज कर्व में बने हुए। क्लोज कर्व यानी ऐसा समझो कि ये गोल गोल कंसंट्रेटेड सर्कल्स में बने हुए हैं, जो कि तुम इस डायग्राम से भी देख के पता कर सक रहे हो। और दूसरा प्रॉपर्टी को मैं समझा पाऊंगा तुम्हें बार मैग्नेट से। तो बार मैग्नेट के अंदर में नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है, राइट? तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है, यानी कि वहां से शुरुआत होता है, फिर ये गोल घूमते घूमते साउथ पोल में जाके खत्म हो जाता है। और ऐसे ही ये गोल गोल रिपीटेड वे में घूमता रहता है, जनरेट होता है फिर खत्म हो जाता है, जनरेट होता है फिर खत्म हो जाता है। इसीलिए तो ये सर्कल शेप का दिखता है हमें, है कि नहीं? इसके बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कि काटते नहीं है। जैसे हम एक दूसरे का मौका मिलते ही काट देते हैं, ऐसा मैग्नेट्स नहीं करते, वो अपने ही डायरेक्शन पे घूमता रहता है। इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता, कसम इंसान भी ऐसे ही होते हैं, छोड़ो यार। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के आसपास ना भीड़ भाड़ में रहता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही जगह ये स्ट्रांग रहता है। और जैसे जैसे ये पोल से दूर जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होता है, वहीं पे पोल के आसपास ये जमा हुआ होता है, इकट्ठा होता है।
अब इसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। अब जो सवाल उठता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनते कैसे है, तो ये बनते हैं ड्यू टू करंट, ये तो तुम्हें पता है। बट ये तीन तरीके से बनते हैं। पहला देखो, अगर तुम एक सीधे से वायर में करंट दौड़ाओगे तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है वो देखना है हमें। और फिर अगर एक सर्कुलर लूप यानी कि तुम एक गोल से वायर में करंट दौड़ाओगे तो कैसा बनेगा। और आखिरी, अगर हम करंट को सोलेनोइड जैसे चीज़ों में दौड़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा और कैसे बनेगा, ये चीज़ों को जानना है हमें। बट इन सारी चीज़ों से पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसके बिना तुम आगे बढ़ नहीं सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा कैसे बनेगा ये सारी चीज़ें बताता है राइट हैंड थंब रूल। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। राइट हैंड है तुम्हारे पास, दो चीज़ देखना है, थंब का डायरेक्शन और जो बाकी बचे हुए उंगलियों का डायरेक्शन। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब तुम्हारा थंब किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो जिस तरफ थंब होगा वो तो करंट दिखाएगा और बाकी बचे हुए उंगली जितने हैं तुम्हारे वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। अब मुझे पता है कि इन चीज़ों में तुम कन्फ्यूज होगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। अगर करंट ऊपर की तरफ जाता है यानी कि तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारे राइट साइड में बहेगा। इस पिक्चर को देखिए, कन्फ्यूज मत होना, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे राइट साइड, तुम देख लो ट्राई करके। ये है तुम्हारा थंब जो कि ऊपर की तरफ है और बाकी उंगलियाँ किस तरफ इशारे कर रहे हैं, राइट की तरफ, देख लो यार। और वहीं पर अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा लेफ्ट साइड में। और यही चीज़ों को हम कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड से जब गोल गोल घूमता है ना, लेफ्ट टू राइट, तब हम उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रहे हैं। और वहीं पे जब राइट टू लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमता है तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का घूमना। तो एंटी क्लॉकवाइज कब होता है, जब ऊपर की तरफ जाता है करंट, और क्लॉकवाइज कब होता है, जब डाउनवर्ड जाता है करंट। तो आई गेस अब तुम लोगों को डायरेक्शन को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एक करंट को सीधे से वायर से पास कराएंगे। तो ये है तुम्हारा वायर, तो अपवर्ड की तरफ जा रहा है करंट, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। तो बताओ, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, तुम्हारे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ में एक एरो डाल दो और ऐसे घुमाओ, देखो कितना आसान था। अब देखो, तुम्हें सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, इन्हें डिटेल में बताना है। तो एक एक चीज़ डिटेल में देखते हैं। पहला चीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड सर्कल्स में होता है जब हम स्ट्रेट वायर से करंट को पास करते हैं। दूसरा चीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट हैंड थंब रूल के ऊपर। और तीसरा चीज़, सर्कल जो होता है छोटा होता है वायर के आसपास। देखो, जैसे जैसे वायर से दूर जा रहा है सर्कल बड़ा होते जा रहा है। और उसके बाद जो मैग्नीट्यूड होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो बढ़ता है अगर करंट ज़्यादा दोगे तुम। ये चीज़ ये कहना चाह रहा है कि तुम जितना करंट उस वायर से पास करोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ही स्ट्रांग होगा। और उसका उल्टा भी एकदम वही है, तुम अगर करंट कम पास करोगे उस वायर के अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ है ना वो भी कम जाएगा। अब तुम जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा अगर तुम करंट को पास करते हो एक सर्कुलर वायर में। एक सीधा वायर ऐसे गोल करो और गोल करने के बाद उस पर करंट दौड़ाओ और उसके बाद देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बन रहा है। और इसी को हम कहते हैं सर्कुलर लूप में करंट को दौड़ाना और फिर मैग्नेटिक फील्ड को पता करना। तो सबसे पहला चीज़, जब तुम ऐसा करोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसंट्रेटेड सर्कल्स के रूप में तुम्हें दिखेगा एवरी पॉइंट ऑफ द वायर। अभी ये लास्ट वाला लाइन देखा तुमने, एवरी पॉइंट ऑफ द वायर, ये क्या कहना चाह रहा है। तुम्हें पता है ये एक सीधा वायर था, इसे हमने गोल कर दिया है, तो हम मान सकते हैं कि ये सीधा वायर ही है, बस हमने इसे गोल कर दिया है। ये हमारा व्यू पॉइंट है कि हम कैसे सोच रहे हैं इसे, क्या हम इसे गोल सोच के कन्फ्यूज करना चाह रहे हैं या हम इसे सीधा सोच के ही आसानी से समझना चाह रहे हैं। तो है तो ये स्ट्रेट वायर ही, बस हमने इसे गोल कर दिया है। अब तुम मुझे बताओ, स्ट्रेट वायर के अंदर में होता क्या है, जहाँ भी करंट दौड़ाओगे वही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट। तो यहाँ में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम इस गोल से वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो तो हर एक टुकड़े पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ में ना बस दो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है, एक तुम्हारे लेफ्ट साइड में है, एक तुम्हारे राइट साइड में। अब ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना, यहाँ देखो सर्कल्स जैसे जैसे दूर जा रहा है सेंटर से उसका साइज बढ़ते जा रहा है और एक समय तो ऐसा आ जाएगा कि
कि ये पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। देख लो यहाँ पे जो एग्जैक्ट सेंटर है, सेंटर वाला जो मैग्नेटिक लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। और आखिरी चीज, तुम्हें यहाँ पे दो सर्कल्स पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, तो इन दोनों का अपना अपना सर्कल पे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन सेम होगा। जैसे देखो, जो तुम्हारे राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना हुआ है उसका डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट की तरफ है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हें पता है राइट हैंड थंब रूल, करंट डाउनवर्ड जा रहा है देखो यहाँ पे। तो जब करंट डाउनवर्ड जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ जाता है? लेफ्ट साइड, तुम्हारे लेफ्ट साइड। और जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना हुआ है उसमें करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वह डायरेक्शन किधर बनेगा? तुम्हारे राइट साइड। आई नो थोड़ा कन्फ्यूजन है इधर, बट तुम्हें एक बार दो बार ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, और एक चीज, अगर तुम्हें भोसरी वाला चाचा पूछ देना एग्जाम पे कि सर्कुलर लूप के अंदर में नॉर्थ पोल कौन सा होता है और साउथ पोल कौन सा होता है, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है ये बताना, बट ये ट्रिक का इस्तेमाल करना तुम कभी नहीं बोलोगे। तुम्हें बस डायग्राम को देखते हुए ये पता करना है कि करंट का डायरेक्शन किधर है। अगर करंट का डायरेक्शन जो मूव कर रहा है ना करंट, वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी घूमता है, पता है तुम्हें, अगर क्लॉकवाइज होता है ना तो वो साइड जो होगा वो होगा साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो कौन सा साइड को दिखा रहा होगा? नॉर्थ पोल। अब तुम जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा सोलेनोइड के अंदर में। देखो पहले जान लो कि सोलेनोइड है क्या। अभी हमने पढ़ा लूप, सर्कुलर लूप, जहां हम एक स्ट्रेट वायर को गोल कर रहे थे। अब सोलेनोइड क्या है? ये एक बार गोल किया, ऐसे ही जब हम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई सारे लूप बना देते हैं ना, उसे जोड़ देते हैं, तो वो होता है सोलेनोइड। देख रहे हो तुम इस डायग्राम में भी कई सारे लूप्स मिलके एक सोलेनोइड बन रहा है। तो इस डायग्राम को देख के ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ से होता है? नॉर्थ पोल से। तो देखो यहाँ में एन, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें दोहराऊंगा मैं, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है गोल घूम के वापस आ जाता है साउथ पोल में, और साउथ पोल में आके ये फिर खत्म हो जाता है। इतना समझ लिए। अब देखो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे देख लेते हैं। पहला चीज़ तो मैंने बताया तुम्हें, सोलेनोइड क्या है? एक सर्कुलर कॉइल है जो कि वायर से बनाया जाता है, क्रॉपर वायर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यह जो दूसरा चीज़ है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट सोलेनोइड के अंदर में फ्लो करते हैं तो ये जो सोलेनोइड है ना, ये बिल्कुल ही बार मैग्नेट जैसा रिएक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसा मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के अंदर में बनता है वैसा ही बिल्कुल बनता है सोलेनोइड के अंदर में। थोड़ा पहले मैंने तुम्हें बताया अभी ये चीज़, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और साउथ पोल में आके ये खत्म हो जाएगा, और ऐसे ही करके ये कई सारे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ना सोलेनोइड के अंदर में ना गोल नहीं होता है, वहाँ पैरेलल होता है, सीधा सीधा चल रहा होता है, ठीक है। और अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, उनका जो स्ट्रेंथ है मतलब पावर जो है वो सब बराबर रहता है, क्योंकि ये पैरेलली चल रहे हैं तो इनमें कोई डिफरेंस हमें देखने नहीं मिलता है, सबके सब का स्ट्रेंथ सेम होता है। अच्छा तुम्हें ये पता है क्या, अगर तुम इस सोलेनोइड के अंदर में एक मेटल रख दो ना और फिर इसके अंदर में करंट दोहराओ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना सोलेनोइड का, इससे ये जो मेटल है ना ये भी एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक आयरन लिया और इस आयरन को मैंने सोलेनोइड के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद जब मैंने इसमें करंट दोहराया तो ये जो आयरन का टुकड़ा है ये एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, और इसी को कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत ही सिंपली बताओ तो तुमने इलेक्ट्रिसिटी से एक मैग्नेट बनाया। तो यहाँ आने के बाद लगभग हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब तक जो हमने पढ़ा कि कैसे करंट कोई भी अगर तुम वायर के अंदर से दोहराते हो तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसका कैसा डायरेक्शन रहता है, और कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, एक लॉ भी था जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, फिर हमने इस राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करके देखा, स्ट्रेट वायर में करा, सर्कुलर लूप में करा, सोलेनोइड में करा, राइट। अब देखो एक बिल्कुल ही अनोखा कॉन्सेप्ट, अगर तुम दो मैग्नेट को लेते हो और फिर तुम उसमें करंट दोहराते हो ना तो इससे एक फोर्स जनरेट होगा। वैसे भी तुम्हें पता ही ये चीज़ कि अगर मैं दो मैग्नेट को एक साथ ले गया हूँ तो इससे एक फोर्स जनरेट होता है, होता है कि नहीं होता है? या तो उसे वो चिपका देता है या उसे वो दूर भेज देता है। और ये जो मैंने तुम्हें बताया कि दो मैग्नेट से फोर्स क्रिएट होता है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, तो ये डिपेंड करता है दो चीज़ के ऊपर,
करंट का डायरेक्शन किधर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये दो चीज़ पता कर लोगे तो फोर्स का डायरेक्शन तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। और ये तुम कैसे पता कर पाओगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिंपल सा ये कहता है कि उंगलियों को कुछ इस तरीके से पकड़ो, पकड़ लिया, इसमें जो तुम्हारा थंब फिंगर होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कि फोर्स किस तरफ लगेगा। और फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा तुम्हें ये इंडेक्स फिंगर, और मिडिल फिंगर बताएगा तुम्हें करंट का डायरेक्शन। क्लियर है? तीन उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले बस हमने एक उंगली का इस्तेमाल किया था, बट यहाँ तीन उंगलियाँ हैं, तीनों का अलग अलग काम है। एक तुम्हें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा जो कि ये थंब फिंगर, और इंडेक्स फिंगर बताएगा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर बताएगा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताया ना, वो यही पे मैंने लिख के दिया है। अगर थ्योरेटिकली तुम्हें लिखने कहा जाए तो लिख देना।